दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्ट पर। जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आई है, जो कि आप लोग जानते हैं कि अभी इसके पहले कोरोना काल के पहले जो है आपका एग्ज़ाम चल रहा था। किसका एग्ज़ाम चल रहा था? एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा था। उसमें से आपका 6 फेज तक हुआ था। कितने तक हुआ था? 6 फेज तक हुआ था आपका। यहाँ देखिए 7वां फेज कौन सा है, 7वां फेज एग्ज़ाम होने वाला है। 7वें फेज में आपको हम लोग बता देते हैं, आप पूरी डिटेल इस वीडियो में देखिएगा, कब कब एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कब पास डाउनलोड करना है, कब जो है आपका एग्ज़ाम है और कितने कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि आप लोग रेलवे एनटीपीसी के बारे में जानते हैं, पूरा डिटेल 6 फेज हुआ था, 7वां फेज होना था तो लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूँ, 7वां फेज जो आपका 7वां फेज दिख रहा है, 7वां फेज होने वाला है। और 7वां फेज कब से? 28 तारीख से 30 तारीख तक। कब से? तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम कब से? 28 से 30 तक है। लेकिन कितने कैंडिडेट हैं? लिखा है 7वां फेज एंड फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टेस्ट है आपका, कब है? 28 से 30 तक है। और कितने कैंडिडेट हैं? 4 लाख कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम देने हैं, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो परेशान रहा होगा कि हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ है, मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं है। तो कोई वजह नहीं है, वो 7वां फेज 1 फेज बाकी है और अभी 4 लाख बच्चे हैं जिसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और आगे बताते हैं इसका कब लिंक एक्टिवेट होगा। तो लिखिए, देखिए आपका दूसरे स्टेप में, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल्ड इन द फेज द लिंक इज़ व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डाउनलोड टू फ्री ट्रेवलिंग अथॉरिटी SC कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑल RRB वेबसाइट ऑन बिफोर 26/6/2021। यानी आपका क्या है, CT कब दिखाएगा, CT और एग्ज़ाम डेट कब दिखाएगा? तो ये 21 तारीख से दिखाएगा, 21 तारीख से आपका CT एग्ज़ाम डेट दिखाएगा और आपके SC ST वालों को फ्री ट्रेवल पास दिखाएगा। उस दिन डाउनलोड करके वो जो है अपना पास बनवा लेंगे। और ये 21 तारीख से दिखाएगा, 28 तारीख को एग्ज़ाम है और 4 दिन पहले 21 को दिखाएगा, 28 को मान लीजिए एग्ज़ाम है। तो यानी आपको 4 दिन पहले कब? 28 को एग्ज़ाम है, 4 दिन पहले यानी 24 तारीख का इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 21 को क्या दिखाएगा? CT दिखाएगा और 24 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 28 एग्ज़ाम शुरू है जिसका, उसके लिए। तो आपके लिए फिर जितनी चीज़ है आपका 7वां फेज के लिए, आपके मोबाइल मेल ID चाहिए, वो ऑनलाइन अप्लीकेशन आपका नंबर चाहिए एडमिट कार्ड के लिए, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अप्लीकेशन नंबर डाल के आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं और अपना एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। आज ही इसका नोटिस आया है। तो दोस्तों, बस इतनी सी जानकारी देनी थी आप लोग को और भी हर चीज़ अपडेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।